हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अनिल अंबानी के बारे में कि आज उनकी हालत इतनी ख़राब कैसे हो गई। उनके ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज है कि कर्ज चुकाने के लिए भी उन्हें अपनी वाइफ के गहने तक बेचने पड़ रहे हैं। वहीं उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी दुनिया के अमीर आदमियों की लिस्ट में नंबर 9 पे आते हैं, पर एक टाइम था जब अनिल अंबानी भी अमीरों की लिस्ट में नंबर 6 पे आते थे। पर आज ऐसा क्या हुआ, एकदम से उनकी हालत ऐसी हो गई। आइए जानते हैं उनकी पूरी स्टोरी। आपने 0 से करोड़पति बनने वाली स्टोरी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के अमीर आदमियों की लिस्ट में आने वाले अनिल अंबानी कंगाल कैसे हो गए, और जानेंगे कि इनके बर्बादी में इनके बड़े भाई मुकेश अंबानी का कितना हाथ था। मुकेश अंबानी व अनिल अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी जब तक जिंदा थे तब तक उनकी कंपनी और उनके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटे पिता के साथ मिलकर अच्छे से बिजनेस को चला रहे थे। मुकेश अंबानी कंपनी के अंदर का काम देखते थे, वहीं अनिल अंबानी कंपनी के बाहर का काम संभालते थे। पर धीरू भाई अंबानी के निधन के बाद दोनों भाइयों में झगड़े होने लगे। पर जब झगड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया तो उनकी माँ को बीच में आना पड़ा और उन्होंने कंपनी का बंटवारा कर दिया। इसी तरह मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पुरानी कंपनी आई, क्योंकि मुकेश अंबानी ने इन सब कंपनियों को सफल बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत किया और यही कंपनी को चलाना अच्छे से जानते थे। वहीं अनिल अंबानी के हिस्से में रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस ब्रॉडकास्ट नई नई और ग्रोइंग कंपनी दी गई। अनिल अंबानी यही कंपनी चाहते थे जिसका फ्यूचर ब्राइट हो, आगे आने वाले टाइम में ग्रो करने के चांस ज़्यादा हो। दोनों भाइयों के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें 10 सालों के लिए अगर एक भाई किसी बिजनेस को करता है तो दूसरा भाई उस बिजनेस को 10 सालों तक नहीं कर सकता है। जैसे मुकेश अंबानी अगर पेट्रोलियम का बिजनेस करते हैं तो अनिल अंबानी पेट्रोलियम का बिजनेस 10 सालों तक नहीं कर सकते। और इसी तरह दिसंबर 2005 में बंटवारा पूरा हो गया। लोगों को लगा छोटा भाई ज़्यादा आगे जाएगा क्योंकि उसके पास नई नई और ग्रोइंग कंपनी थी। और कुछ दिनों तक तो ऐसा हुआ भी। बंटवारे होने के कुछ ही दिनों में अनिल अंबानी ने इतनी तेज़ी से तरक्की किया कि कुछ ही दिनों में वो दुनिया के अमीर आदमियों की लिस्ट में आ गए। ये दौर अनिल अंबानी की लाइफ का गोल्डन दौर था। अखबारों से लेकर न्यूज़ चैनल तक उन्हीं के नाम के चर्चे हो रहे थे। उनकी ठाट तो इतनी ज़्यादा थी कि घर से ऑफिस जाने के लिए भी वो हेलीकॉप्टर से जाते थे। उसी टाइम अनिल अंबानी ने एक मीडिया हाउस भी खरीद लिया जिसका नाम बदल के रिलायंस मीडिया हाउस रख दिया। इस कंपनी ने बहुत सारी मूवी बनाई जिसमें एक लिंकन मूवी भी थी जिसे ऑस्कर भी मिला। उस टाइम में अनिल अंबानी इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि 2008 में उन्होंने रिलायंस पावर नाम की एक कंपनी का IPO लेके आए। वो 60 सेकंड से कम टाइम में ही सब्सक्राइब हो गए। ये इंडिया के कैपिटल मार्केट में आज भी एक रिकॉर्ड है। इसी तरह अनिल अंबानी 2 सालों के लिए राज्यसभा के MP भी रहे। अभी तक तो अनिल अंबानी की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अनिल अंबानी अपनी लाइफ में बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए अपने सभी कंपनियों में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने लगे। इसी दौरान रिलायंस कम्युनिकेशन में लगभग 2 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके 3G टेक्नोलॉजी लेके आए। इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से टेलीकॉम इंडस्ट्री के किंग भी बन गए, जहां इस सेक्टर में इनकी कंपनी 2006 से 2010 तक नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बनी रही। प्रॉब्लम यह थी कि ये टेक्नोलॉजी CDM थी जिस कारण वो सिर्फ 2G और 3G को सपोर्ट करता था, 4G को नहीं। और जब मार्केट में 4G आया तो दूसरी सारी GSM कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन से आगे निकल गई। यहीं से अनिल अंबानी का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। ये तो रिलायंस कम्युनिकेशन की हालत पहले से ही ख़राब थी और यह पूरी तरह बर्बाद तब हो गई जब 2017 में मुकेश अंबानी ने भी जियो 4G को लॉन्च कर दिया। जियो जो एक दूसरे के फील्ड में इंटरफेयर न करने का 10 साल का एग्रीमेंट था वो भी पूरा हो गया था। अब मुकेश अंबानी को पूरी आज़ादी थी कि वो टेलीकॉम कंपनी या दूसरे किसी भी सेक्टर में इंटर कर सकते हैं।
ये तो आप भी जानते हैं, जब जियो की आंधी आई थी तो इस आंधी में न जाने कितने सारे कंपनी बर्बाद हो गया और कितने मर्ज। वैसे ऐसे में भला पहले से ही बर्बाद कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन पूरी तरह से बैंक करप्ट होकर बंद हो गई। और इसके अलावा अनिल अंबानी को अपने बड़े भाई से दूसरा झटका तब लगा जब मुकेश अंबानी ने अपनी गैस की प्राइस बढ़ा के असल में इन दोनों भाइयों के बीच एक और एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को $2.34 के रेट से गैस बेचेंगे। लेकिन समय के साथ महंगाई बढ़ने के कारण गैस का प्राइस दुगना कर $4.24 कर दिया, जिसकी वजह से अनिल अंबानी को बहुत नुकसान हुआ। अनिल अंबानी इस मुद्दे को कोर्ट तक ले गए, वहाँ भी उनकी ही हार हुई। इसके अलावा अनिल अंबानी ने अपने लाइफ में बहुत सारी गलत डिसीजन लिए, जिसकी वजह से उन्हें हर बार नुकसान उठाना पड़ा। बार बार वो ऐसे इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते थे जिसके बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान होता था। लेकिन इन सब के अलावा जिस एक चीज़ ने अनिल अंबानी को बर्बाद किया वो बिना सोचे समझे लोन लेना। जब उनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था तब अपनी कंपनी को बचाने के लिए बड़े बड़े लोन लेना स्टार्ट कर दिए और नए नए बिजनेस में इंटर करने के लिए भी बहुत बड़े बड़े लोन लिए। ऐसे में उनकी कंपनी में लोन का पैसा लगाने के बाद भी नहीं चल पाई तो उनके द्वारा लिए गए लोन डिफॉल्ट होने लगे और देखते ही देखते इनके ऊपर करोड़ों का कर्ज हो गया था। एक समय लोन की वजह से अनिल अंबानी के $7 बिलियन का कर्ज हो गया था और 2019 में एरिक्सन कंपनी $80 मिलियन न चुका पाने के कारण इन्हें जेल होने वाली थी। लेकिन लास्ट टाइम में मुकेश अंबानी ने ये 80 मिलियन चुका कर अनिल अंबानी को जेल जाने से बचा लिया। इस समय की बात करें तो अनिल अंबानी की ज्यादातर कंपनी बिक गई है या फिर बर्बाद होकर बंद हो गई है। उनके ऊपर 3 चाइनीज कंपनी का भी कर्ज है, इसके लिए उनके ऊपर लंदन में केस चल रहा है। इस टाइम अनिल अंबानी ने कोर्ट में खड़े होकर कह दिया कि उनकी नेटवर्थ 0 हो गई है। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना यह भी है कि अनिल अंबानी ने अपना बहुत सारा पैसा और प्रॉपर्टी अभी भी अपने पास रखी हुई है। और आपका क्या मानना है? तो आज के लिए इतना ही।